आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, नाउ हियर द गिवन क्वेश्चन इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल टू डिजिट नंबर्स फॉर्म फ्रॉम थ्री डिफरेंट वन डिजिट नंबर दैट आर द नेचुरल नंबर्स when divided by the sum of these three numbers is equal to option A 36, option B 22, option C 18 or option D 24. So, हमें यहाँ पे क्या given है? We have to given. हमें क्या मिला हुआ? Sum of all possible two digit number का जितना भी possible आपको है उतना create करो और उनका sum करो. उसके बाद क्या मिलेगा आपको? वो numbers कैसे form करना है? Three different one digit number. कोई भी थ्री वन डिजिट नंबर्स जो हैं आपके, जो 1, 2, 3, 4 ऐसे वन डिजिट नंबर जो भी हैं उनका हेल्प लेके आपको टू डिजिट नंबर फॉर्म करना है और उसका सम करना है। और उसके बाद क्या बोला है? व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द थ्री नंबर्स और उसे क्या करना है? थ्री नंबर्स हमें डिवाइड करना है तो किसके इक्वल रहेगा वो प्रूव आउट करना है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन से नहीं समझा होगा, अभी हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ जाएगा क्या क्या गिवन है। पहले तो हमें लेना है डिफरेंट वन डिजिट नंबर दैट आर नेचुरल नंबर। तो मैंने सपोज अज्यूम कर लिया कि लेट टेक थ्री डिफरेंट नंबर आर, थ्री जो हमारे डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट वन डिजिट नंबर दैट आर नथिंग बट 5, 6 and 7। ये थ्री वन डिजिट नंबर हो गया। अब इसका यूज करके हमें क्या करना है? टू डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो मैं लिख लेती हूँ कि द टू डिजिट नंबर, जो हमारे टू डिजिट नंबर हैं वो किससे फॉर्म हो रहे हैं? इन वन डिजिट नंबर से। तो लिखेंगे हम लोग फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है हमारे? 56 हो गया पहला, फिर इसका उल्टा कर दो 65 हो गया, 67 हो गया, 76 हो गया, 57 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 75। तो ये पॉसिबल हमारे क्या है? टू डिजिट नंबर हमारे इससे फॉर्म हो गया। अब क्या करना है आपको? इसका एडिशन लेना है, सम लेना है। तो उससे हम लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वोशेंट, हमें उसे लेना है और डिवाइड करना है। तो रिक्वायर्ड क्वोशेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा? और द सम, रिक्वायर्ड क्वोशेंट नहीं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सम ऑफ टू डिजिट नंबर का सम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 56 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 76 प्लस 57 प्लस 75। तो अगर आपने इसका एडिशन किया तो एडिशन करने पे आपको मिलेगा 396। ये हो गया। अब क्या लेना है? सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर, थ्री वन डिजिट नंबर जो हमने लिया था ना वो, तो सम ऑफ वन डिजिट नंबर, कौन से वन डिजिट नंबर्स हमने लिए थे? वो वन डिजिट नंबर हमने लिए थे 5, 6 और 7। तब उनका एडिशन कर लेते हैं। 5 + 6 + 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें बोला है, देखिए वापस से दिखाती हूँ, कि व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ थ्री नंबर्स, सम ऑफ पॉसिबल टू डिजिट नंबर, ये सम ऑफ पॉसिबल टू डिजिट नंबर है और ये सम ऑफ डिजिट नंबर है, वन डिजिट नंबर है। अब ये अगर इससे डिवाइड होगा तो आपका क्वेश्चन क्या मिलता है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वोशेंट इज इक्वल टू 396 डिवाइडेड बाई 18। ओके, तो आपका क्या आंसर मिलेगा? दैट इज नथिंग बट हाउ मच? इट इज नथिंग बट 22। ओके, सो दिस इज अ करेक्ट सोल्यूशन एंड दिस इज नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने कोई और नंबर लिया उससे भी सॉल्व किया तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है? 22 ही मिलने वाला है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।